कल भी मैं आप सभी लोगों को दरिये के पास लेके गया था, आज भी दरिये पे हैं हम लोग, तो ये अपने कॉलेज में भी लेके जाएंगे। स्पेशल एंट्री करेंगे कॉलेज में। और वैसे भी कोई है भी नहीं साथ में बैठने वाली, तो करेंगे क्या भाई, सब अकेला ही बैठना पड़ेगा। और तो कुछ कहे, चलो बैठ जाते हैं, कोई नहीं। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. Hello beautiful people, नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। How are you everybody? This is Vishal the Way. ये है डॉर्मेट्री जहाँ पर मैं एक दिन के लिए रुका था। अभी मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, जिस जगह पे मैं रुका था ना, वो जगह आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए, ये था मेरा बेड पूरी एक रात के लिए, यहाँ पर मैं रुका हुआ था। ये देखो सामने फैन है, अच्छा यार छोटा सा है, सिंपल सा है, इसको बोलते हैं डॉर्मेट्री। अगर आप किसी भी बड़े शहर में जाते हो या कहीं भी जाते हो ना, तो आप डॉर्मेट्री यूज़ कर सकते हो होटल की बजाय, क्योंकि होटल थोड़े से महंगे पड़ते हैं 1000-1100-1200 के, लेकिन डॉर्मेट्री 400-500 के अंदर मिल जाती है। और ये मुझे 400 के अंदर मिली है, जो कि अंधेरी स्टेशन के पास में ही है। ऐसा ठंडा ठंडा पानी भी मिल जाता है। हमने वो देखो वो चार्जिंग का कनेक्शन, जिससे कि मेरे को एडिट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। फैन भी रखा हुआ है, हालांकि रात को तो इतनी ठंड पड़ रही थी ना बॉस, मैंने तो फैन बंद कर दिया था। तो बहुत सारे लोग हैं वहां पर भी। अब यहां से अपन निकलते हैं बाहर और एक्सप्लोर करते हैं मुंबई को। तो देखो वहां पर जो रखा हुआ है ना, वो अपना बैग है जो कि रेडी हो गया है। वहां पर अचरंगी पचरंगी शूज रखे हुए हैं। तो अपने रूम से अभी हम लोग बाहर निकल गए हैं, और अभी मैंने एक ओला बुक की है, थोड़ी देर में वो ओला यहाँ पर आ जाएगी। ओला में बैठ के फिर अपन यहाँ से निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। फिलहाल तो अपन एकदम नहा धो के रेडी हो गए हैं, अभी निकलते हैं, चलो। A few moments later. ये तो अभी बज रहे हैं दोपहर के, डेढ़ बजे हैं दोपहर के, लेकिन फिर भी दोपहर जैसा तो कोई माहौल ही नहीं है बॉस। यहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश ही बारिश है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश नहीं हो रही थी, मुंबई का यही माहौल अभी चल रहा है कि थोड़ी थोड़ी देर में बारिश हो जाती है, पता भी नहीं चलता कि कब बारिश होगी। तुरंत बारिश हो जाती है और तुरंत बंद भी हो जाती है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि नाश्ता वाश्ता करते हैं। अभी यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ, थोड़ा सा मुंबई घूमने के लिए आया हूँ, बस व्लॉग देखते रहो। और अभी तो डेढ़ बजे हैं, तो कुछ नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं। वैसे मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। देखिए तो सड़कों का कुछ ऐसा हाल है मुंबई के अंदर, और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है बॉस, ये देख रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ा बड़ा शहर है, पावरफुल शहर है जहाँ पे अभी हम आए हैं। सामने मैंने कुछ देखा अभी, ओहो भाई साहब, ये देखो सामने खड़ी हुई है लग्जरियस कार। तो यहाँ पर तो अक्सर लग्जरियस कार देखने को मिलती है, मैंने अभी तक तो बहुत सारी कारें देखी है। फिलहाल तो वहाँ पर उस तरफ ना मैंने एक देखा है, एक चाय वाला है, तो वहाँ पर अपन चलते हैं और चाय वगैरह पीते हैं। ये है स्ट्रीट फूड जो कि अभी अपन खाने वाले हैं। यहाँ पर देखो ये पूड़ी है एंड ये सब्जी। कल हम लोग होटल में गए थे, आज हम लोग स्ट्रीट फूड ट्राई कर रहे हैं। इसके बाद भी और स्ट्रीट फूड मैं ट्राई करूंगा जो कि आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। कल जब मैं होटल में खा रहा था तब भी ये चीज़ मैंने देखी दही के साथ, और आज भी मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, तो ये चीज़ कॉमन है। फिलहाल तो मुझे तो बहुत जायकेदार लग रहा है भाई साहब, मज़ेदार लग रहा है, तो अपन इसको पहले ख़त्म करते हैं। देख रहे हो मुंबई की बारिश में यहाँ पर बैठ के अपन खाना खा रहे हैं। देखिए तो अभी मैं आया हूँ मुंबई के आराम नगर एरिया में, और ये कुछ ऐसा माहौल है आराम नगर में, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, सौदी सौदी सा पानी भी गिर रहा है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि मुंबई घर में रहने को कभी भी नहीं बोलती है। मैं घर में था तो मेरे को अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन जैसे मैं बाहर निकलता हूँ मेरे को अच्छा फील होता है। मुंबई हमेशा बाहर निकल के काम करने को आपको फोर्स करती है जितना हो सके। ये बस आई रियली मिस दिस बस, अक्सर फिल्मों में देखते हैं इस मुंबई की बस को। अभी यहाँ पर देख रहे हैं ये अटलांटिस है, ठीक है, अभी ये किसका घर है पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ याद आ रहा है अटलांटिस किसी का होगा। ओहो चाय देख रहे हो, आए हाय मुंबई में आके इस तरीके की चाय, और वो भी बीच के पास, मज़ा आ गया बॉस, मज़ा आ गया। अप्रतिम बीच है, और ये मुंबई का शायद वर्सोवा बीच, हाँ वर्सोवा बीच है ऑब्वियसली, चाय के साथ मुंबई और मुंबई के साथ ये बीच। ओ भाई साहब, अरे मेरे चाय को पानी पिला रहे हो मेघदूत, क्या कर रहे हो। चलो चलो अभी अपन को इसको पीने दो, अपन इसको पीते हैं। ओहो देख रहे हो मज़ा आ जाता है इधर, और पीछे तो बिल्डिंग ही बिल्डिंग। अच्छा मैं जब गुजरात में था तब आप सभी लोगों को इतनी ज़्यादा बिल्डिंग देखने को नहीं मिलती होगी, लेकिन जब से मुंबई आया हूँ तब से बिल्डिंग देखने को मिल रही है बॉस। और कल भी मैं आप सभी लोगों को दरिये के पास लेके गया था, और आज भी दरिये पे हैं हम लोग विद दिस अमेजिंग टी। दरिये का मजा लेते हैं, और वैसे भी कोई है भी नहीं साथ में बैठने वाली, तो करेंगे क्या भाई, सब अकेला ही बैठना पड़ेगा, और तो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है चलो बैठ जाते हैं, कोई नहीं। सब जगह अपने पास कोई नहीं है, मैच लेटर। देखिए तो अभी मैं बहुत टाइम से मंदिर प्रांगण में बैठा हुआ हूँ आराम नगर में, बहुत ही तेज बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। ये है आराम नगर का बहुत ही फेमस मंदिर जहाँ पे अभी मैं आया हूँ, विघ्नहर्ता, जी हाँ विनायक का मंदिर है, हमारे गणेश महाराज का मंदिर है, गणेश भगवान का मंदिर है। आय हाय, क्योंकि मैं कृष्ण भगवान से बातें करता हूँ तो इनसे मैंने बातें किया। बहुत ही ज्यादा बहुत ही पीसफुल जगह है, मतलब पूरे मुंबई में ना आपको बहुत बहुत रश देखने को मिलेगा, बहुत शोर देखने को मिलेगा, लेकिन मंदिर प्रांगण के अंदर देख रहे हो कितना पीसफुल।
पीसफुल है, कितना पीसफुल है ये जगह। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरूपाय लंबोदराय शक्लाय जगद्दिताय नागान्नाय श्रुतियग्न विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते, गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। Hustle, I hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just got... तो अभी मैं मुंबई के आराम नगर में घूम रहा था और guess मुझे यहाँ पर भी दोस्त मिल गए। तो हर्षिल भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओगे? एकदम मस्त। कैसा लगा मुझसे मिलके? अरे बहुत बहुत बहुत। एक्चुअली मैं यहाँ पे आया था किसी काम से और उतने में ही इनसे मुलाकात हो गई। मैंने इनसे कुछ मदद मांगी, इन्होंने मदद की और इस तरह हमारी दोस्ती हो गई। ठीक है, एक और भाई है जिनसे हमारी दोस्ती हुई है लेकिन वो थोड़े से शाय हैं, पीछे बैठे हुए हैं, इसलिए कैमरे में आना पसंद नहीं है, वो थोड़े से शाय हैं। तो इसलिए अपन उनसे बाद में मिलवाएंगे आपको, अगर उनका मन किया तो बाद में अपन मिलेंगे जरूर उनसे। ठीक है, यहीं पर रहते हैं मुंबई में, तो अभी कुछ दिनों तक वो तो हमें घुमाने वाले हैं। घुमाओगे ना पक्का? अरे डेफिनेटली यार, डेफिनेटली घुमाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इनका अभी कॉलेज शुरू हुआ है तो ये अपने कॉलेज में भी लेके जाएंगे। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मुंबई में आएंगे और ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे, लेकिन मिल गए बॉस। देख रहे हो, विघ्नहर्ता विनायक की अगर अगर कृपा हो जाती ना तो सब कुछ हो जाता है, क्या बोलते भाई? बिल्कुल डेफिनेटली यार, बिल्कुल उनकी कृपा होना जरूरी है। भगवान की कृपा है तो सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, बस हार्ड वर्क करते जाइए, पैशन के साथ लगे रहिए, बस बाकी सब कुछ वो करेंगे। चलो तो इनसे अभी थोड़ी सी और वार्तालाप करते हैं। हालांकि शाम के 6:30 बज चुके हैं और अब हमें थोड़ी ही देर में निकलना पड़ेगा। वैसे तो यार मुंबई एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसमें निकलने निकलने का कोई टेंशन नहीं है, आराम से मजे कर रहे हैं। बिल्कुल यार, बहुत मजे आ रहे हैं। बारिश का मौसम है और एकदम हम तो बैठे हुए मंदिर में आराम से बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, भगवान के सानिध्य में मजा आ रहा है। ओके चलो अभी थोड़ी सी और बातें करते हैं। ओ भाई साहब, पानी अंदर आ रहा है। चलो ठीक है, और भी ज्यादा बातें करते हैं। 346 मिनट्स लेटर। तो फाइनली अभी टाइम हो चुका है रात की 8 और मैं अपने रहने के स्थान में पहुंच चुका हूँ। थोड़ी देर में अंदर जाके आराम से ब्रश वगैरह हो जाएंगे और फिर एडिटिंग शुरू कर देंगे। आज का दिन तो काफी अमेजिंग था क्योंकि आज मुझे नए लोगों से मिलने का मौका मिला, नए लोगों को जानने का मौका मिला। और मेरा मुंबई आने का रीजन यही है कि जितना हो सके नए लोगों से मिलूं, जितना हो सके एक्सप्लोर करूं और आप सभी लोगों को कुछ नया दिखाऊं। इसीलिए तो मुंबई आया हूं ना बोल। अरे मुंबई आया तो मुंबई के बारे में दिखाएंगे, करूँ कहीं और जाएंगे तो कहीं और के बारे में दिखाऊंगा। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ब्लॉग को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कराना है, अपने दोस्तों से भी करवाना है। बाकी विशाल दवे के ऊपर छोड़ दो, अपन सब काम करेगा आप सभी लोगों के लिए। थोड़ा सा आराम वगैरह करके दोस्तों को कॉल करना है, शैली का भी मैसेज आया था, शैली को भी कॉल करना है। जिग्नेश भाई का कॉल सुबह से आए जा रहा है, सारे दोस्तों को कॉल करूंगा। बेसिकली मम्मी पापा से बात करके एडिट वेडिट करके सो जाएंगे और सुबह एक नई जर्नी शुरू करेंगे। देखो अभी भी बारिश हो रही है वहां पर, आप देख सकते हो। तो आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना कैसा लगा ब्लॉग। बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ऑल पे क्लिक कर देना। जमे रहिए, बने रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। विशाल दवे को विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण। काम करो, एंजॉय करो, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। बाय बाय।